जम्मू कश्मीर के हालातों को आने वाले दिनों में किस तरह से और बेहतर बनाया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 सूत्रीय प्रमुख एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार एक तरफ जहां घाटी के विकास पर पूरी तरह से फोकस कर रही है, तो वहीं अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए एक मजबूत प्लान बनाया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य की नुहार किस तरह से बदली जाए और राज्य के अंदर अमन और कानून व्यवस्था को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, इसके लिए अब केंद्र सरकार ने 3 अलग-अलग रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया है। रियासत के अंदर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए सरकार और सदन की मुहर लगने के साथ ही मोदी सरकार अब हर उस प्रयास में जुटी है जिससे जम्मू कश्मीर के विकास के साथ साथ यहां पर आंतरिक माहौल को ठीक करने और खासकर भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लाया जा सके। पिछले महीने ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रियासत का दौरा किया, तो उन्होंने ऐसे तमाम लोगों के साथ गोपनीय बैठकें की जो सरकार की रणनीति के मुताबिक फील्ड में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। केंद्र सरकार अपनी कोशिशों के तहत सबसे पहले उन लोगों पर अपना भरोसा जता रही है जो राजनीति के किसी भी छोर पर काम करते हुए सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखते हों। ऐसे लोगों की मदद से सरकार खास करके अलगाववाद के रास्ते पर चलने वाले लोगों के साथ साथ आतंकवाद का समर्थन करने वालों को एक कड़ा और स्पष्ट संदेश भी देना चाहती है। सरकार की रणनीति भी यही है कि ऐसे लोगों की मदद से पंचायती स्तर पर कार्यपालिका को मजबूत बनाया जाए। सरकार का मानना है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित तमाम जन नीतियों को पंचायती स्तर पर लागू किया जाता है तो उससे आम जनता का भरोसा व्यवस्था के प्रति और मजबूत होगा। इसके साथ ही सुरक्षा बलों की सहायता से सरकार की हर संभव कोशिश रहेगी कि आम लोगों के अंदर जो आतंकवाद को लेकर डर की भावना बनी है उसे किसी भी तरह से खत्म किया जाए। सरकार का फोकस जहां विकास की तरफ है तो वहीं आतंकी संगठनों में भी शामिल हो चुके युवाओं की घर वापसी के लिए भी सेना लगातार कोशिश कर रही है। अब तक 26 ऐसे युवाओं को सेना के अधिकारी उनके परिजनों तक वापस लौटा चुके हैं। हमने देखा है कि आईटी सेक्टर हो, इंडस्ट्रीज हो, ट्रेड हो, यहां के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप बना है जॉब्स का, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस नए नए आ गए हैं। अधिक से अधिक यहाँ जम्मू के अंदर एक जम्मू यूनिवर्सिटी होती थी और चंद गिने चुने कॉलेजेस होते थे, आज जम्मू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज है, आईआईएम जम्मू में है, आईआईटी जम्मू में खुल गया है, एम्स जैसा बहुत बड़ा मल्टीपर्पज हॉस्पिटल जम्मू के अंदर खुल रहा है, उसका काम शुरू हो गया है, 6 मेडिकल कॉलेज, तो कितनी बड़ी रिक्रूटमेंट होगी, कितने नए डॉक्टर्स, कितने पैरामेडिकल स्टाफ, कितने कंस्ट्रक्शन के अंदर लोग लगेंगे, कितने उसकी मैनेजमेंट के अंदर लोगों को जॉब्स मिलेंगी। उसी प्रकार बॉर्डर के ऊपर स्पेशल रिक्रूटमेंट मोदी जी ने शुरू की है, रेलवेज का एक्सटेंशन, 4 लेनिंग का एक्सटेंशन, मेट्रो रेल जो जम्मू में शुरू करने का प्रपोजल है, ऐसे अनेक कार्य हैं। सरकार का ये मानना है कि वो लोग पत्थरबाजी छोड़ के मेन स्ट्रीम में आए और बात करें, सरकार से बात करें, सरकार उनके लिए जितने भी रोजगार के रास्ते हैं वो खुले रखेगी। कश्मीर में जो मैंने बात अभी की है, इसी तरह के जो आईएएम है, आईआईटी है, जो बाकी जो हमारे नए कॉलेज खुल रहे हैं उसके माध्यम से भी रोजगार आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा है उसको आर्मी में, सीआरपी में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती हो रही है, और एक जो एलओसी और आईबी की दोनों जगहों पर भर्ती हो रही है सिर्फ बॉर्डर के नौजवानों के लिए, वो भी युवा है उसका फायदा उठा सकते हैं, तो वो उनको रोजगार के जो रास्ते हैं उनके लिए वो खुले हैं। रियासत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी उन तमाम उपलब्धियों के गुणगान करने में जुटे हुए हैं जिसके सहारे वो रियासत की तकदीर और तस्वीर को बदलने का दम भर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों के दौरान धरातल पर इसका आंशिक रूप से ही असर दिखा है। सरकार का यह भी मानना है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान जब भी अलगाववादियों ने घाटी के अंदर बंद बुलाया उसका भी कोई सार्थक असर देखने को नहीं मिला और ना ही इस दौरान किसी तरह से कोई बड़ी आतंकी घटना हुई। सरकार इन तमाम हालातों को अपने लिए बड़ी उपलब्धि मान रही है, लेकिन देखना ये होगा कि जिन बिंदुओं के सहारे सरकार अब जम्मू कश्मीर को बदलने की कोशिश में जुटी हुई है वो कोशिशें और वो कूटनीति भविष्य में कब तक और कितनी कारगर साबित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट।